ओए नालायक अभिषेक कर रहा है सामने बैठ के। तुम अगर सो रहे हो तो बाकी बच्चे तो लेट जाएंगे यहां पे। कही देखो बच्चे को तो पूरा मेरे को लगता है भाई साहब 24 घंटे 7 दिन बच्चा सो सकता है। जब मैंने बच्चे के चेहरे से देखा है इतनी नींद क्यों आती है आपको वैसे बताओ, मतलब क्या रीजन है? कुछ पता नहीं लगा आज तक। रिसर्च किया वैसे कभी आपने? कभी रिसर्च नहीं किया। कितने घंटे सोते हो आपको? 6 घंटे कब से कब? 11 से 5 ठीक है। उसके बाद फिर दिन में भी मतलब पूरा दिन सोना नहीं, मतलब इस टाइम सेंसेस में हो वैसे लग रहा है क्या चल रहा है क्लास में? चलो भाई बट ये दिक्कत वाली बात है बहुत, इसको थोड़ा सही करो। एक ना फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी स्टार्ट करो आप, ठीक है? जब जैसे जैसे एग्जाम आते हैं ना, थोड़ा सा 1 घंटा एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, मैं कह रहा हूँ बाहर नहीं घर में थोड़ा जंपिंग हो गया, ऐसे थोड़ा शरीर को हिला लिया करो। हिलता है ये, पता है आपको हिलता है? ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े रहोगे, आपको भी देखना ऐसे भी होता है ये, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे करो हड्डी टूट गई। ये आपकी गलत फहमी है। क्यों होगा? हो ऐसा होता है 8 दिन तक, 8 दिन तक होता है वो मैं मान रहा हूं, बट 8 दिन सोने के बाद 2 महीने जागना और एनर्जी से, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि वो नींद क्यों आती है आपने जिंदगी में कभी की नहीं? अब शरीर को भी लग रहा है ना भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है ये इंसान, ना ना, ना 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 ये तो अलाउड नहीं करूंगा इसको, मैं सो जाऊंगा। बट जब उसको डेली करोगे ना कि मैं डेली कर रहा हूं, तो कहेगा ये तो भाई अब जिद्दी हो चुका है, अब तो आराम से रहो। एक्चुअल में हैबिट ही तो है ना सर, देखो हैबिट है और हैबिट तो बनानी पड़ती है। मैंने कहीं पढ़ा था शरीर को जैसा तुम बनाओगे वैसा बन जाएगा। यार मैं कल परसों की बात है, कल ना मैं इंस्टाग्राम पे एक रील में देख रहा था, उस छोटे से बच्चे के, अहमद करके या नाम है, क्या नाम है, अहमद या अब्दुल करके नाम है, उस छोटे से बच्चे के 2 हाथ नहीं है, वो भी डांस इंडिया डांस या पता नहीं कहां पे है, उस छोटे से बच्चे के 2 हाथ नहीं है। और उसका डांस देख के मैं हैरान रह गया। मैंने कहा हाला हम तो जिंदगी भर एक्सक्यूज ही देते रह गए, भगवान ने दिया ही कुछ नहीं, उसके हाथ नहीं है और पैर भी खराब, पैर भी उसके ऐसे चल रहे हैं, उसका डांस आप देख लोगे आप कह दोगे भाई साहब हम तो डूबी मरे। मतलब मैं सही बता रहा हूं सर, मतलब लोगों के अंदर अब करने का जुनून होता है ना तो लोग कुछ भी कर जाते हैं, नहीं तो वो 100 एक्सक्यूज दे सकते, 100 मैं कह रहा हूं 1000, जिसके हाथ ही ना हो जिसके पैर ही खराब हो वो तो कहेगा भाई साहब मैं तो जिंदगी बर्बाद कर दी, बट फिर भी वो वहां तक पहुंचा तो अपनी मेहनत से ना। और वो कह रहा मुझे बहुत आगे जाना, भगवान ने मुझे हाथ नहीं दिए बट माइंड मुझे दिए, सब कुछ बाकी शरीर के ऑर्गन्स मुझे सही दिए तो मैं तो उसको तो यूज कर सकता हूं। तो मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूं कि एक्सक्यूज देने के तो 100 चीजें हैं सर। हमें खांसी हो जाती है तो भाई साहब हम गला पकड़ के बैठ जाते हैं, खांसी हो गई जी हमें, मैंने कहा क्यों नहीं आए, खांसी हो गई थी सर 3 दिन, खांसी हो गई थी। तो भाई खांसी को सही भी तो करना होता है। आप कभी देखना सर बाहर, मैं कई बार देखता हूँ ऑब्जर्व करता हूँ बाहर सड़कों पे 1-1 साल के बच्चे, चलो विद ड्यू रिस्पेक्ट सबकी, मैं ये नहीं कह रहा कि हम मतलब ऐसा करना स्टार्ट कर दें, बट आप कभी देखना छोटे छोटे बच्चे भाई साहब 1-1 साल के नंगी सड़कों मतलब नंगे पैर सड़कों पे घूम रहे होते हैं ठंड के अंदर, बाहर सोते हैं, उनको बुखार तक नहीं होता, क्यों? उनका शरीर वैसा बन चुका है। बट हमारे घर में क्या थोड़ी सी खांसी होगी तो हमें केयर ज्यादा मिलती है ना, बेटे बेटे कंबल कर ले, बेटे 2-3 कंबल ऊपर लपेट, अब होगा क्या वैसी केयर हमें मिली तो हमारा शरीर ढीला हो गया, क्योंकि जैसे तुरंत बाहर निकलते हैं फीवर हो जाता है, तो स्टार्टिंग से शरीर वैसा बन गया ना, तो मतलब ऐसा नहीं है चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर लोग भाई साहब जो मतलब कभी मेहनत नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे मतलब इनका चेंज करने की बात है। अब पहले 10वीं तक तो भाई साहब मेरे साथ आलसी कोई होगा ही नहीं, 10वीं मेरे साथ आलसी, मेरे को 24 घंटे सुला सकते थे आप, 24 घंटे सोने का वरदान था मुझे, सही बता रहा हूँ भगवान ने दिया 24 घंटे। 10वीं तक तो क्लास के अंदर बैठे बैठे सो जाता था, मैम उठाती थी उठ के उन्होंने भाई ये फिर दोबारा वही आ गया, मतलब ये हालात थे। उसके बाद फिर मुझे फील हुआ कि भाई साहब मैं कर क्या रहा हूँ, और वो फील कब हुआ जब बेइज्जती हुई मेरी स्कूल के अंदर ही कि तू कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ना एक तो पंडितों ने मेरी बेइज्जती की, स्कूल वालों ने बख्शा नहीं मुझे, बख्शा मुझे किसी ने नहीं, बट वही बात है कि जब चुभता है ना कोई चीज़ें तब आप इंसान काम करता है। फिर 11वीं 12वीं स्कॉलरशिप में निकली मेरी, मतलब उसमें मैंने 1 रुपये फीस पे नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ठनक गया था, मैंने कहा ऐसी की तैसी भाई साहब मतलब चलो ठीक है, मतलब हाँ जब आदमी को ट्रिगर होता है ना तो वो ट्रिगर काम, कई बार क्या होता है गुस्से में इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, कई बार उस गुस्से से बहुत मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि गुस्सा आप कहाँ यूज करते हो मैटर ये है। नहीं तो जैसे मैंने इसको बोल दिया, मैंने किसी को बोल दिया, मैं कहा तू क्लियर कर देगा क्या,
है तो कोई लग रहा है तेरे अंदर है कोई मतलब ही नहीं, तुम क्लियर कर नहीं पाओगे। मैं कहा वो नहीं क्लियर कर रहा। अब अगर ये बात मैंने बोल दी, इसके दो ऑप्शन है, या तो ये समझ लेगा भाई मेरे बस का नहीं है, या ये कहेगा ऐसे की तैसे तो मैं करके ही दिखाऊंगा। तो जब इसने बोल दिया मैं करके ही दिखाऊंगा, बस वहां इसको एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया कि अब मुझे करके दिखाना है। ठीक है, तो वो दो चीजें होती हैं कि आप सामने वाले की बात को कैसे लेते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव ले जाओगे तो कभी नहीं करोगे। ठीक है, और नींद देखो सिंपल सी बात है, नींद 6 घंटे की सफिशियंट है, बट आपको पूरा, मैंने कई बच्चे देखा पूरा पूरा दिन आंखें उनकी लिपटती रहती हैं, पूरा पूरा दिन उनको पता ही नहीं है, बैठे हैं क्लास में उनको नहीं पता, बट उनको नहीं पता इसका नुकसान पेपर। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं सर जो पेपर में दिक्कत करती हैं। तो थोड़ा सा जैसे अब 2-3 महीने हैं, दिसंबर में एग्जाम है, मैं 2-3 महीने भी कहाँ रह गए, अब तो आर गिन चुन के 50 दिन बचे हैं। तो 50 दिन आपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, और ऐसे नहीं कल तो भाई साहब 4 बजे उठ जाऊंगा, वो चीज नहीं। अगर आप 6 बजे उठते हो तो 5:45 उठो। मतलब आदत कैसे बनती है, 5-5 मिनट जल्दी, आप 6 के कल 5 उठ जाओगे ना, फिर अगले दिन आप 7 उठोगे। मैं बता रहा हूं ना, मतलब जो जिसकी लाइफस्टाइल में उसमें चेंज करने की बात कर रहा हूं, जिसका है आप 10 मिनट जल्दी पे आओ पहले, और सोते रहे से 12 बजे हो, ठीक है जी, तो आप थोड़ा 11:30 12 सो जाओ, 15 मिनट सोने की कोशिश करो, लेटे रहो भाई, नींद नहीं आ रही, बस मोबाइल हाथ में मत लो, इधर पासा पलटो उधर पासा पलटो, कुछ भी करो, ठीक है, मतलब किसी भी तरह से मेडिटेशन कर लो थोड़ा बहुत, या लंबे गहरे सांस लो, ऑटोमेटिकली आप देखना नींद आएगी 1 दिन 2 दिन के अंदर। तो उससे लाइफस्टाइल चेंज होना जरूरी है लास्ट के 50 दिन के अंदर, और एक डाइट, ठीक है ना, ये थोड़ा भूसा खाना कम कर दो, भूसा मतलब ये समझ गए ना, मोमोज चटोरियां ये बाहर खड़े होके भाई साहब भैया थोड़ा सा भैया डालना थोड़ा ये थोड़ी हरकत है, अब 50 दिन के अंदर कम हो जानी चाहिए, क्योंकि अब मौसम हो रहा है चेंज, अब है डॉक्टरों का सीजन, पता है डॉक्टर का भी सीजन होता है, ये मौसम चेंज वाला सीजन डॉक्टरों का है, वो देख रहे हैं अच्छा आ गया बुखार का आ गया, बुखार गला पकड़ के आ रहा है भाई, पकड़ ले इसको 5 गोलियां दे इसको, ठीक है, तो वो आपको देखना है कि हमें अब कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है ना, और वो तब होगा ना थोड़ा सा बाहर का कम खाओगे, ठीक है, जो हॉस्टल में रहते हैं ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें मिलती नहीं है, मिलती है, उनको खानी नहीं है, आप 40 रुपये की बाहर छोले भटूरे गंदे तेल वाले खा लोगे, 40 रुपये का भाई साहब कुछ और भी अच्छा मिल सकता है, पोहा आ सकता है, ठीक है, पोहा आ सकता है, स्प्राउट्स आ सकते हैं, उपमा आ सकता है, अच्छी चीज़ें भी हैं, वो है पोहा उपमा, कैसी बात कर रहे हो सर, छोले भटूरे खाने वाला उपमा खाएगा क्या, कैसी बात कर रहे हो, तो वही तो चीज है ना। अच्छा होगा पता क्या, आप पहले दिन पोहा खाओगे ना पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको अंदर पता क्या लगेगा भाई, ये वेट करता है, ये अंदर एक इंसान बैठा है, अच्छा छोले भटूरे आएंगे पोहा आ गया, बट उसको 2-3 दिन डालोगे ना उसको लगेगा भाई डाइट मेरी चेंज हो गई है, अब मुझे यही करना है। मैंने कहा ना शरीर को जैसा बनाओगे वैसा बनेगा, बस ये चीज है। चलो वापिस आ जाओ, ठीक है, हमने कोई यहाँ पे अपना सेशन ही रखा हुआ। चलो इधर देखो ध्यान से जी,